Assalamu alaikum, this is Sayyed Ahmad Gilani and I welcome you once again. Today we are going to talk about another important theory, that is gender theory by Judith Butler. Judith Butler was born on 24th February 1956, so let's see what she talks about. First of all, Judith Butler, she's a highly influential feminist philosopher and scholar known for her groundbreaking work in gender theory. ये जो थी 24th February 1956 को यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुई है और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है फेमिनिस्ट स्टडीज़ में और क्यूअर स्टडीज़ में, और इसने ट्रेडिशनल जो व्यूज़ हैं जेंडर को लेके या आइडेंटिटी को लेके उसको जो है वो चैलेंज किया है. इसकी बहुत ही फेमस बुक है जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, जो कि 1990 में पब्लिश हुई थी, और ये जो जेंडर थीरी है ये उसी बुक में से ली गई है. और ये जो उसका वर्क है इसमें इंट्रोड्यूस करती है ये एक कॉन्सेप्ट कि जो जेंडर है वो परफॉर्मेटिव है. इसमें ये आर्ग्यू करती है कि जो जेंडर है वो इनहेरेंट ट्रेड के साथ नहीं आता, मतलब नेचुरल नहीं होता, कुदरती तौर पे नहीं होता, बट इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन दैट इज़ कॉन्टिन्यूली डन थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर्स. तो डिटेल में इसको देखते हैं. ये जो आइडिया है इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कि जेंडर को लेके, कि हमने कैसे जेंडर को अंडरस्टैंड करना है. इसने बहुत से नए रास्ते हमारे लिए खोले हैं इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के, इस डिस्कोर्स में, फेमिनिज्म में स्पेशली और जेंडर स्टडीज़ में. इसका जो काम है वो उसने अभी तक मुख्तलिफ डिस्कशंस को जन्म दिया है, मुख्तलिफ डिस्कोर्स को उसने जन्म दिया है, आइडेंटिटी को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके और सोशल जस्टिस को लेके. फिर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तारीखी पस मंज़र क्या है. 1960s और 70s में सेकेंड वेव जो थी फेमिनिज्म की वो बहुत अपने पीक पे थी. उस दौरान ये हुआ कि एक ऐसा अकीदा जिसे कह लें, एक ऐसा बिलीव जो बहुत फैला हुआ था, जो लोग समझते थे कि सिर्फ दो किस्म के जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, कोई तीसरा जेंडर नहीं होता. इसीलिए उनका जो फोकस था वो प्राइमरीली इसी चीज़ पे था कि औरतों को वो हकूक दिए जाएं जो कि मर्दों के पास हैं और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए. तो ये 1960s और 70s में ये बिलीव बहुत कॉमन था. फिर 1980s और 1990s में क्या हुआ कि क्यूअर थ्योरी जो है वो सामने आई. जो क्यूअर थ्योरिस्ट थे वो जब सामने आए अपनी न्यू थ्योरी के साथ, तो एक न्यू वेव ऑफ थिंकर्स एंड स्कॉलर्स जो है वो पैदा हो गए वहाँ पे. इन्होंने क्वेश्चन किया, कुछ फेमिनिस्ट को इवन क्रिटिसाइज किया कि वो कैसे डिफाइन करते हैं वेमेन को और कैसे उनको एक सोसाइटी में देखा जाता है, कैसे वेमेन को जो है उनकी उनकी डेफिनेशन क्या है वेमेन को लेके. और उन्होंने क्रिटिक किया इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं, मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि एक ही किस्म की डेफिनेशन वेमेन को लेके और जेंडर को लेके नहीं चल सकती, और भी बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती हैं जेंडर को लेके. सबसे पहले ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जेंडर को देख लेते हैं कि जूडिथ बटलर की इस थीरी से पहले क्या ट्रेडिशनली या 1960s या 70s में क्या अप्रोच थी जेंडर के हवाले से. तो उसमें यह था कि जी दो किस्म के जेंडर होते हैं, फिक्स जेंडर होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, इसके अलावा जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. दूसरा, जेंडर की जो आइडेंटिटी है वो बायोलॉजिकली होती है, इंसान का बायोलॉजिकली पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है. तीसरा, उनके जो रोल्स थे और जो बिहेवियर थे वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड थे, मतलब ये पता था कि मर्दों के कौन से काम करने के हैं और औरतों के कौन से काम करने के हैं. फिर उनकी जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, हिस्टोरिकल रूट्स में जाके देखें तो उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स भी अलग अलग थे. बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी उनका अलग था. बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में ये था कि जो औरत है उसका काम है घर को संभालना, औरत का काम है बच्चे पैदा करना, बायोलॉजिकली फेमिनिन है, फ्रेजल है, कमज़ोर होती है. ऑन दी अदर हैंड जो मेल है बायोलॉजिकली वो स्ट्रांग होता है, तो उसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. इस तरह सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कलोनियलिज्म है, लैंग्वेज है. तो कलोनियलिज्म में भी जो है पैट्रियार्की आ जाती है कि जो पैट्रार्क्स हैं, जो कलोनियल पावर्स थे वो भी जो है सारे मेल थे. इसी तरह जो पैट्रार्की है उसमें भी जो एक घर का बड़ा होता है वही जो है वो संभालता है घर को. इस तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में भी फीमेल और मेल का पता चलता है कि कुछ डिक्शन, कुछ वोकेबलरी जो है वो फीमेल के लिए है और कुछ वोकेबलरी जो है वो मैस्कुलिन वोकेबलरी या मैस्कुलिन जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मर्दों के लिए. लेकिन ये सारा बाइनरी अपोजिशन पे बेस करता था. लेकिन इंक्रीजिंग अवेयरनेस के साथ साथ जब अवेयरनेस आई, ज़्यादा इंक्रीज हुई अवेयरनेस, लोगों को पता चला, तो वो नॉन बाइनरी और जेंडर क्वियर आइडेंटिटी की तरफ चले गए. और यहाँ से जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको चैलेंज किया गया. यहाँ से जेंडर एज परफॉर्मेटिव जो जूडिथ बटलर की थीरी है, ये उसकी कोटेशन उसकी बुक से ली गई है. वो कहती है कि बिकॉज देयर इज़ नीदर एन एसेंस दैट जेंडर एक्सप्रेसेस और एक्सटर्नलाइजेज, नॉर एन ऑब्जेक्टिव आइडियल टू विच जेंडर एस्पायर्स, एंड बिकॉज जेंडर इज नॉट अफेक्ट, द वेरियस एक्ट्स ऑफ जेंडर क्रिएट द आइडिया ऑफ जेंडर, एंड विदाउट दोज एक्ट्स देयर वुड बी नो जेंडर एट ऑल.
1990 में उसने बुक लिखी थी। इसका मतलब यह है कि वो ये कहती है कि जो जेंडर है वो परफॉर्मेटिविटी से बनता है। मतलब ये जेंडर जो है वो ये नहीं है कि हम क्या हैं, जेंडर वो है कि हम क्या करते हैं। इट्स नॉट अबाउट नाउन, इट्स अबाउट वर्ब, कि हमारी एक्शन क्या है, उस एक्शन से पता चलता है कि उस एक्शन से जेंडर बनता है, ना कि नाम से बनता है। यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है कि जूडिथ बटलर की जो थीरी है जेंडर की, वो परफॉर्मेटिव है, ये एक फंडामेंटल पिलर है उसके अपना जो काम है जेंडर ट्रबल, जिसने इस बुक में किया है, या उसका जो अपनी थीरी है उसमें ये चैलेंज करती है जित उस वक्त का जो नोशन था कि जो जेंडर है वो इनबॉर्न है, जो जेंडर है वो इनहेरेंट है, जो जेंडर है वो नेचुरल है, फिक्स क्वालिटी है। यहाँ पे वो प्रपोज करती है कि जो जेंडर है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का। जेंडर एक फिक्स जेंडर नहीं है कि मतलब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो बाय बर्थ मेल है, एक बच्ची पैदा हुई है तो वो बाय बर्थ फीमेल है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। वो कहती है कि जो मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और ये ऐसा नहीं है बल्कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का। अकॉर्डिंग टू बटलर ये कहती है कि जो इंडिविजुअल्स डू जेंडर थ्रू एक्शंस, बिहेवियर्स एंड एक्सप्रेशंस व्हिच आर शेप्ड बाय सोशल नॉर्म्स, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये कहती है कि जो इंडिविजुअल डू, ये जो डू है मतलब ये कि इंडिविजुअल जो काम करते हैं, जो एक्शंस उनके होते हैं, जो बिहेवियर उनके होते हैं, और वो किस को उनको शेप करता है, सोशल नॉर्म्स उनको शेप करते हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशन उनको शेप करती हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसको शेप करता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये चैलेंज करता है जो स्टेबल जेंडर आइडेंटिटी है कि ये मेल है तो ये मेल ही है, ये फीमेल है तो ये फीमेल ही है। इस चीज़ को ये जो है वो चैलेंज करता है और एम्फेसाइज करता है कि जो जेंडर है वो प्री डिटर्मिन नहीं है बट अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग सोशल परफॉर्मेंसेज है। मतलब अब यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है और वो मेल का जो है सब कुछ अडॉप्ट कर लेती है, मेल की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देती है, मेल की तरह बाजारों में घूमना शुरू कर देती है, मेल की तरह जो है वो बातचीत करना शुरू हो जाती है, तो वो फिर देन शी विल नॉट बी अ फीमेल एनी मोर। यहाँ पे उसका आइडिया जो है वो आ जाता है कि वो जो फीमेल है जिसने सब कुछ अडॉप्ट कर लिया मेल वाला, तो फिर हम उसको फीमेल नहीं कह सकते क्योंकि इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि जो जेंडर है वो बाय बर्थ नहीं है, नेचुरल नहीं है। अगर हम इस जेंडर को अंडरस्टैंड करें एज परफॉर्मेटिव और सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो सोशली कंस्ट्रक्टेड ये है कि एक सोसाइटी जो है वो जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है, एक सोसाइटी जो है वो जेंडर को मेल बनाती है, एक सोसाइटी जो है वो जेंडर को फीमेल बनाती है। इस थीरी ने आके बहुत सी न्यू पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए ओपन की हैं, बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने रखे हैं जेंडर नॉर्म्स को लेके, आइडेंटिटीज़ को लेके, रिकग्निशन को लेके, डाइवर्स जेंडर एक्सप्रेशंस को लेके। बाइनरी ख़त्म कर दी है इसने। इट टॉक्स अबाउट नॉन बाइनरी अप्रोच, इट डज़ नॉट टॉक अबाउट बाइनरी, क्योंकि वो जो बाइनरी अपोजिशन थी वो इसने यहाँ पे ख़त्म कर दी। और सेम चीज़ जो है वो सिमोन डे बोवुआर, जो फ्रेंच फिलोसफर है, वो अपनी बुक द सेकंड सेक्स में लिखती है कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वोमन। वो भी सेम अप्रोच लेके चलती है, वो भी यही कहती है कि जो जेंडर है इट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड थिंग, जेंडर इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट इननेट, इट इज नॉट इनहेरेंट, ये एक सोसाइटी है जो पैदा करती है। तो यहाँ पे सिमोन डे बो और जो जूडिथ बटलर है इनके आइडियाज बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है ये है कि जूडिथ बटलर कहती है कि रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर जो भी परफॉर्म करता है वो एक बार परफॉर्म करने से उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होता जेंडर का, बल्कि जेंडर जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसके एक्शंस हैं, वो उसको बार बार करता है। तो ये जो रिपीटेड परफॉर्मेंस हैं और वो रिपीटेड परफॉर्मेंस जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो स्टेब्लिश सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग्स में होता है, तब जाके उसका सोशल और तब जाके उसका जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्दों ने कौन से काम करने हैं वो पहले से सोसाइटी ने तय किए हुए हैं, औरतों ने कौन से काम करने हैं वो सोसाइटी ने तय किए हुए हैं, औरतों ने जिन जिस किस्म के लिबास पहनने हैं, जो ड्रेस पहनने हैं, वो सोसाइटी ने तय किए हुए हैं, वो सोसाइटल नॉर्म्स हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक मर्द जो है वो औरतों की तरह कपड़े नहीं पहन सकता, औरत जो है वो मर्दों की तरह कपड़े नहीं पहन सकती। देन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कलर्स आ जाते हैं जिनके जो कलर जो है वो मर्द नहीं पहन सकते, फॉर एग्जाम्पल पिंक, येलो, रेड, इस तरह के जो कलर्स हैं वो जो मर्द हैं वो शलवार कमीज इस कलर के नहीं पहन सकते। तो ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं और इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने से एक लेजिटिमेट और फिक्स्ड आइडेंटिटी या जेंडर क्रिएट होता है। ये उसकी एक कोटेशन है, उसकी बुक से ली गई है, उसमें वो कहती है कि एज इन अदर रिचुअल सोशल ड्रामाज द एक्शन ऑफ जेंडर रिक्वायर्स अ परफॉर्मेंस दैट इज रिपीटेड। दिस रिपीटेशन इज एट वंस अ री इनैक्टमेंट एंड री एक्सपीरियंसिंग ऑफ अ सेट ऑफ मीनिंग्स ऑलरेडी सोशली स्टैब्लिश्ड एंड इट इज द मंडेन एंड रिचुअलाइज फॉर्म ऑफ देयर लेजिटिमेशन। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि जो जो भी एक्ट है, जो भी जेंडर एक्ट परफॉर्म कर रहा है, उसने वो बार बार करना है। रिपीटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी रिवॉर्ड दोज हु परफॉर्म जेंडर करेक्टली, मतलब सोसाइटी भी उनको मानती है, सोसाइटी भी उनको एक तरह से रिवॉर्ड देती है, एक तरह से उनको जो है वो एक्सेप्ट करती है जो कि वो रोल जो है वो प्रॉपरली निभाते हैं, जो प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। अब इंडिविजुअल जो कि रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं जेंडर और ख़ास तरीक़ों से करते हैं क्योंकि वो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में हैं, तो जो कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, तो उनको जो है वो परफॉर्मेंस पे रिवार्ड दिया जाता है, और जो नहीं करते उनको पनिशमेंट दी जाती है, या पनिशमेंट इन अ सेंस कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उन पे जुमले कसे जाते हैं, उनको जो है वो सोसाइटी से आउट कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन का जो नावल है, उसमें ये चीज़ बड़ी ज़्यादा पोर्ट्रे की गई है कि वो ख़वातीन जो कि उस वक़्त के ज़माने की जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी या जो उस वक़्त के जेंडर रोल्स थे जिन्होंने उनको कन्फर्म किया, तो उनको जो है वो सराहा गया था। जैसे कि कैरेक्टर्स हैं एलिजबेथ जो बैनर्ड जो कैरेक्टर है उसने ट्रेडिशनल जेंडर रोल को चैलेंज किया था, तो उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जजमेंट का सामना करना पड़ा। जबकि जो दूसरी वहाँ पे एक कैरेक्टर है जैसे लीडिया बैनर्ड जो है, उसने जो है उन्हीं सोसाइटल नॉर्म्स को जो है कन्फर्म किया, उनको माना, उसको एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या किया उनको उसको सेलिब्रेट किया गया डिस्पाइट हर रेकलेस बिहेवियर। तो उन उस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, लीडिया बैनेट की तरह जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने जिनका बिहेवियर तो रेकलेस था, केयरलेस था, लेकिन उन्होंने उस वक्त के नॉर्म्स को जो है वो एक्सेप्ट किया, तो उनको सेलिब्रेट किया गया। अब यहाँ पे बटलर्स की क्रिटिक है जेंडर और सेक्स को लेके, उसको जो दूसरा वर्क है इन बॉडीज देन मैटर, जो तो यहाँ पे जो बटलर जो है क्वेश्चन करती है सेक्स के आइडिया को लेके कि सेक्स इज जस्ट अबाउट बायोलॉजी। वहाँ पे ये कहती है कि सेक्स जो है एक बायोलॉजी है, मतलब वो एक्सप्लेन करती है जो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे हम सेक्स और जेंडर को अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटरसेक्स ट्रेट के साथ पैदा होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनमें उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशंस होती हैं, तो ये चैलेंज करता है आइडिया कि कोई दो स्ट्रिक्टली कैटेगरीज नहीं है, मेल और फीमेल की स्ट्रिक्ट कैटेगरीज नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट कैटेगरीज होती तो फिर ये इंटरसेक्स ट्रेट्स जो हैं ये फिर क्या है। इसी तरह बटलर ये भी बात करती है कि जो सर्जरीज होती हैं इंटरसेक्स बेबीज़ को लेके कि उनको फिट किया जाता है बाइनरी जेंडर कैटेगरीज में, तो यहाँ पर भी ये बताया जाता है कि कैसे सोसाइटी जो है वो बाय फोर्स ये कोशिश करती है हर एक को मेल और फीमेल कैटेगरी में डालने की, इवन वेन इट्स नॉट दैट सिंपल। कंक्लूजन में ये है कि जूडिथ बटलर कि जो जेंडर थ्योरी है ये चैलेंज करती है ट्रेडिशनल व्यू को, एम्फेसाइज करती है कि जो जेंडर है वो एक परफॉर्मेटिव सोशल कंस्ट्रक्शन है, और सिमोन डिबॉ भी यही बात करती है। इसका जो काम है ये प्रमोट करती है एक्सेप्टेंस को कि दूसरे जो नॉन बाइनरी अप्रोच है उसको एक्सेप्ट किया जाए। बटलर की जो कंट्रीब्यूशन है उसने फेमिनिस्ट और क्यूर स्टडीज़ को जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, और इसने ज़्यादा डाइवर्स और एक्सेप्टिंग वर्ल्ड की तरफ जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन की है। So that was all about gender theory by Judith Butler. I hope you have got it. Thank you for watching.